राजधानी रांची से है, भगवान भरोसे चल रहा है JCERT। 16 साल में पहली बार हो रही है JCERT बोर्ड की बैठक। राज्य के शिक्षा मंत्री होते हैं JCERT बोर्ड के अध्यक्ष, और इसी के साथ MDI बिल्डिंग में हो रही है ये बैठक, JCERT बोर्ड की बैठक। और पूर्व शिक्षा मंत्रियों पर बरसे हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों को चलाता है JCERT, जिसकी अहम बैठक चल रही है इस वक्त। MDI बिल्डिंग में यह बैठक हो रही है। बैठक में तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्रियों पर बरसे हैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। पूर्व शिक्षा मंत्री और विभाग के काम का यहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों को चलाई जाती है JCERT के जरिए, जिस पर मंत्री ने संज्ञान लिया। हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ ये पूरा मामला? अमृत, देखिए 2006 में झारखंड के तमाम जिलों में शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए JCERT का गठन हुआ था। नियम यह कहता है, कायदा यह कहता है कि हर साल JCERT की एक बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, जिसमें इन बातों का लेखा जोखा होता है कि कितने पैसे खर्च हुए, कहाँ से पैसे आए, कितने बच्चों के बीच स्कूल में किताबें बांटेंगी, तमाम चीजों की जानकारी बोर्ड की बैठक में ली जाती रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है अमरीक की 2006 में JCERT के गठन के बाद से अब तक, यानी कि लगभग 16 साल गुजर गए, किसी ने भी इस बात की चिंता नहीं की कि JCERT की बोर्ड की एक बैठक होनी चाहिए। इस बीच में कई राज्य में कई मंत्री बने, नीरा यादव मंत्री बनी, उससे पहले बैद्यनाथ राम मंत्री बने, उससे पहले प्रदीप यादव, गीता श्री उराव, तमाम लोग मंत्री बने, लेकिन किन्हीं को इस बात की चिंता नहीं हुई कि JCERT एक बड़ी संस्था है, उसकी बोर्ड की बैठक होनी चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं मामला बेहद अहम है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस मामले पर बैठक की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।